आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटेंस। अब सेंटेंस क्या है तो देखा जाए अगर सेंटेंस को, तो सेंटेंस को समझने से पहले हम लोग को वर्ड्स को समझना है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है, उसका अरेंज क्या होता है, क्या पहले आना चाहिए, क्या बाद में आना चाहिए। अब क्या सेंटेंस जो होगा वो एक कम्प्लीट सेंस निकालेगा कि नहीं निकालेगा, कम्प्लीट सेंस होगा कि नहीं होगा, जो सेंटेंस होगा वो कम्प्लीट उससे निकलेगा ना भी निकलेगा, ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ही गोज, और सेकेंड है कि ही गोज टू मार्केट, ठीक है। तो ही गोज टू मार्केट और ही गोज, अब ये दोनों सेंटेंस में देखा जाए तो ही गोज, अब ही गोज कहने से क्या हुआ जाता है, सेकेंड सेंटेंस है कि ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। तो सेंटेंस सेकेंड वाला जो है, ये जो दिख रहा है लिखा हुआ है, इससे जो है कम्प्लीट सेंस का पता चल रहा है कि नहीं, वह कहाँ जा रहा है तो बाजार जा रहा है, ठीक है। इससे वह जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं है, तो इससे कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, लेकिन इससे जो है निकल रहा है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, अब इतना ही नहीं हो गया, अब सेंटेंस इतना ही में ख़त्म नहीं होगा। सेकेंड बात यह है कि हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर है कि द बर्ड इज पीकॉक, ठीक है, द बर्ड इज पीकॉक, और यहाँ पर लिख देते हैं कि द पीकॉक इज ए बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि द बर्ड इज पीकॉक और द पीकॉक इज अ बर्ड। तो यहाँ पर देखा जाए फर्स्ट वाला में द बर्ड इज पीकॉक, पक्षी मोर होता है, ये थोड़ा सा उल्टा अर्थ निकल रहा है इसे, द पीकॉक इज अ बर्ड, मोर जो है एक पक्षी है, तो इस निकल रहा है, इसके वजह से जो है सेकेंड वाला सही हो जाएगा। एक और बात करते हैं थर्ड। थर्ड क्या है कि हमें सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग को, तो ये भी जानना है। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए गोज, अब यहाँ गोज लिख दिए और यहाँ पर ही लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर लिख दिए कि ही गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर गोज ही और ही गोज टू स्कूल जाता है वह, इससे कोई स्ट्रक्चर भी इससे मैच नहीं हो रहा है, इसकी वजह से जो है ये गलत है, क्योंकि ऐसा अरेंज नहीं होता है। पहले वर्ब आता है, नहीं आता है, पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आता है, लेकिन इसमें पहले सब्जेक्ट आया उसके बाद वर्ब आया उसके बाद जो भी है ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट तो वो आया, तो ये वाला अरेंज किया हुआ है लेकिन ये अरेंजिंग नहीं है। तो यहाँ भी एक हो सकता है कि सेंटेंस होगा तो अरेंज भी होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर अरेंजिंग उसका होना चाहिए, और उससे जो है कम्प्लीट सेंस भी निकलना चाहिए, उखड़ खाबड़ नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस होता है, आप इसको समझते हैं और अच्छे से। तो सेंटेंस जो है, जैसे हम यहाँ पर अगर एग्जांपल लें तो सच्चे, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ ले लिया हमने कि सी रीड्स अ बुक, ठीक है, या यहाँ पर लिख दिए द काउ इज पेट एनिमल, तो द काउ इज ए पेट एनिमल और सी रीड्स अ बुक, ठीक है। तो सी रीड्स, यहाँ पर प्रॉपर अरेंज किया हुआ है, पहले सब्जेक्ट आया है कि नहीं, उसके बाद वर्ब आया, और उसके बाद ये जो है यहाँ पर आर्टिकल है, और बुक जो है यहाँ पर ये नाउन है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट जो है वो पहले ही आए, सब्जेक्ट यानी कहने का अर्थ हो गया कि अगर वो सेंटेंस है तो सेंटेंस में मेनली दो पार्ट होता है अगर बात किया जाए तो फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहला पार्ट इसमें हो गया, और सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। सेंटेंस में, सेंटेंस का देखा जाए तो इसका भाग जो होता है दो होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट के पहले ही आएगा, इसके बाद भी आ सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर फिलहाल डिस्कस करते हैं, तो सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद वर्ब आया, उसके बाद आर्टिकल, और उसके बाद नाउन, ठीक है। ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि सेंटेंस में दो ही पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट का पार्ट होता है और एक प्रेडिकेट का पार्ट होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट, अब इसमें अब प्रेडिकेट है तो प्रेडिकेट में भी तो कुछ आया है, वर्ब आया, हमारा ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं, तो इसमें भी जो है प्रेडिकेट में इसमें वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर वर्ड्स आएंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। तो प्रेडिकेट में भी तीन चीज़ आता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हमारा सेंटेंस में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, अगर सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, अगर सब्जेक्ट होगा नहीं तो सेंटेंस कंप्लीट होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर वर्ब जो है, वर्ब को हार्ट बोला गया है, सेंटेंस का हार्ट है,
इज द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस का हार्ट होता है वर्ब, अगर वर्ब नहीं होगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से तो काम चलेगा नहीं। तो सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाकर के एक कंप्लीट सेंटेंस का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से। अब इसको समझते हैं कि सेंटेंस तो है लेकिन यहाँ पर इसका क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मिला, भार मिला, ऑब्जेक्ट मिला, तब हम इसको जा कर के कह रहे हैं सेंटेंस। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये ग्रुप बनाया, ठीक है। ग्रुप यानी शब्दों का समूह होगा इसमें, है कि नहीं, शब्दों का समूह हुआ कि नहीं। तो यानी कह सकते हैं कि सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का समूह होता है। क्या होता है? शब्दों का समूह, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, ठीक है। अब इसमें कलेक्शन भी हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। और उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि इसका सिलेक्शन भी हुआ है, हम लोग सिलेक्शन किए, तो हम बोल सकते हैं इसके क्या बोल सकते हैं, ए सिलेक्शन ऑफ वर्ड, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ए सिलेक्शन ऑफ वर्ड। अब यहाँ पर कॉम्बाइन भी हुआ है, तो हम इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्सों का कॉम्बिनेशन हुआ, ग्रुप बना, ठीक है, सिलेक्शन हुआ, कलेक्शन हुआ, ठीक है। ग्रुप तो इसका बन गया, कलेक्शन भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है। तो अब ये शो करेगा ना, शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा, दिखाएगा, प्रेजेंट करेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या कि शो करो कि वो कैसे जो है कंप्लीट है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि विच हैज, जो तो भाई कंप्लीट सेंस रखेगा ना, तो विच हैज, विच हैज करेगा या विच एक्सप्रेस करेगा, बताएगा, ठीक है, कि एक्सप्रेस किया है, वर्णन किया है कि हमें कंप्लीट मीनिंग है, ठीक है। तो विच एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि विच सोच, दिखाओ भाई, विच सोच, शब्दों का समूह को दिखाना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसके बाद अब हम बात करें तो ये कंप्लीट मीनिंग निकालेगा, तो कंप्लीट मीनिंग के लिए हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं कि ए कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, ए कंप्लीट मीनिंग, ए कंप्लीट सेंस, ए कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए कंप्लीट मीनिंग, मीनिंग रखता हो उसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे, है कि नहीं। या एक शब्दों का समूह होगा जो एक्सप्रेस करेगा एक कंप्लीट सेंस होने का, तो उसको सेंटेंस बोलेंगे, है कि नहीं। तो इससे अच्छा और आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्लास हुआ है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट्स का, ठीक है, वर्गीकरण किया गया, क्लासीफाई इसको कितने भागों में किया गया है और इसका टाइप जो है कितना है, ठीक है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेज।